तो दोस्तों डे बिफोर एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल करके आ रही है, जो कि आप कह सकते हो कि ये Xiaomi की तरफ से आ रही है या फिर आप कह सकते हो कि ये इसरो की तरफ से आ रही है। अब इसरो की तरफ से आ रही है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि इसरो कितना अच्छा काम करता है और कितनी तेजी से ग्रो अप कर रहा है इसरो, और चंद्रयान 3 की भी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर के आर्टिकल सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसरो और Xiaomi ने ऐसा क्या कोलैब किया है जिसे हमें काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इंडिया की जो ऑडियंस है Xiaomi की तरफ से उसे काफी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो अभी हम लोग GPS यूज करते हैं वो गूगल की तरफ से आता है और ये ग्लोबली यूज किया जाता है, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका नाम ही है, तो ये ग्लोबली यूज किया जाता है और इसी को हम लोग स्मार्टफोन में अपने यूज करते हैं और इसी से अपना रास्ता नेविगेट करते हैं। और अभी जो Xiaomi और इसरो का कोलैबोरेशन हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि इसरो का कोलैबोरेशन क्वालकॉम के साथ है और क्वालकॉम के साथ मिल करके इसरो और क्वालकॉम दोनों लोग मिल करके एक नया चिपसेट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें नेविगेशन सिस्टम जो होगा वो इसरो की तरफ से होगा, जिसको नेविक करके नाम दिया है, और इसकी जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो सारी उस चिपसेट में होंगी और उसी चिपसेट को Xiaomi अपने फोन्स में यूज करने वाला है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है वो तीनों का एक तरीके से बाउंड होकर के हम लोगों को एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जिसमें क्वालकॉम की तरफ से चिपसेट होगा बट उसमें नेविगेशन सिस्टम होगा वो इंडिया की तरफ से होगा। मतलब ओवरऑल कहें तो GPS सिस्टम जो है वो इंडिया की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेविक है वो काफी ज्यादा बेहतर है अगर आप उसको GPS से कंपेयर करते हो, मतलब एक्यूरेसी काफी ज्यादा बेहतर मिलेगी और हम लोगों की जो पोजीशनिंग है वो काफी अच्छी से एक्यूरेसी के साथ दिखाई देगी और आप लोगों को जो रास्ते वगैरह हैं वो और भी अच्छे तरीके से नेविगेट हो पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और Xiaomi ऐसा पहला ब्रांड बन जाता है जो कि इस चिपसेट के साथ आने वाला है। तो ओवरऑल कोलैबोरेशन मिल करके हम लोगों को काफ़ी अच्छी नेविगेशन देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है, सबसे पहला तो SPS होगा और दूसरा RS होगा। मतलब यहाँ पे जो SPS है वो सिविलियंस को प्रोवाइड होगा, मतलब हम जैसे लोग यूज़ करेंगे इसी नेविगेशन सिस्टम को, और दूसरा जो है वो RS होगा, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये आर्मी वगैरह के लिए यूज़ होगा और ये काफ़ी सिक्योर्ड होगा, ये इनक्रिप्टेड होगा। तो वो चीज़ तो नहीं बट हाँ हम लोग सिविलियंस वाला यूज़ कर पाएंगे और जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी वगैरह मेंटेन रहेगी। तो दोस्तों बस ये छोटी सी वीडियो थी जिससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर इसरो ने Xiaomi से क्यों कोलैब किया और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है और Xiaomi हमें क्या प्रोवाइड करने वाला है इससे। तो होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर इंटरेस्टिंग लगी तो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जाकर के नीचे सोशल मीडिया के लिंक से जाकर के वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।